Hello and welcome to a special episode of DigiTales. मेरा नाम फैजान सैयद है. I'm the founder and CEO of East River. और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे specifically budget के हवाले से, economy के हवाले से. पाकिस्तान का budget present होने वाला है इंशाल्लाह जून में. मुल्क के हालात COVID के दौरान काफ़ी मुश्किल भी रह चुके हैं, पूरी दुनिया के हालात मुश्किल रह चुके हैं. और आज इस एपिसोड में मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन. कैसर बंगाली साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. कैसर बंगाली साहब, यू आर ए रेनाउंड इकोनॉमिस्ट इन दिस कंट्री. सर, सबसे पहले तो बताएं व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्रीज इकोनॉमी. पहले तो ये बता दूं कि रेनाउंड का एक फ्लिप साइड होता है नोटोरियस. पब्लिसिटी इन एनी वे इज गुड पब्लिसिटी. जी तो हमारे इस मुल्क में क्या चैलेंज है? जी देखिए, ये इस पे बात हम नहीं शायद शुरू करना चाहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद द कंट्री. बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है. सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक वसाइल के हवाले से अमीर मुल्क है. हमारे पास बहुत वसाइल है और हर किस्म के वसाइल है. ज़रात के वसाइल है, मादनियात है. और क्योंकि हमने पिछले 40-50 साल में अपने तालीमी निज़ाम को खूब तबाह किया है, इसके बावजूद भी एक ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत अच्छा है. और बहुत पाकिस्तानी पाकिस्तान में भी जो रहते हैं वो इंटरनेशनली भी कम्पीट कर पाते हैं. ये बड़ी नेमतें हैं जो पाकिस्तान के पास है. बहरान जो है, जैसे कंपनी है, कंपनी के एसेट्स बहुत हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन वक्ती तौर पे कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अच्छी से अच्छी कंपनी को भी. तो पाकिस्तान एक कैश फ्लो प्रॉब्लम के मसाइल से गुजर रहा है. ये और बात है कि ये कैश फ्लो मसाइल है हमारे, ये इसको 30-40 साल हो गए और ये बहुत डैमेजिंग है. ये कैश फ्लो प्रॉब्लम चंद महीने या एक आध साल तो ठीक है, लेकिन अगर 30-40 साल तक रहे तो ये डैमेजिंग है. इसीलिए ये तशवीश की बात है और यही है जो व्हाट्स रॉन्ग विद आवर इकॉनमी. बुनियादी तौर पे हमने 30-40 साल में किया ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माशी ढांचा होता है जिस पे पैदावारी कुव्वत का इनसार होता है, ज़रात का और सनत का और कॉमर्स का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है और वो बहुत बिगड़ गया है. यानी रेलवे के ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, पोर्ट के वाव्स जो हैं, बर्थ्स हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं. कई साल से जंग लग रहा होगा तभी तो ये गिर रहे हैं. बिजली की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई है. एक शख्स ने आज से मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले इस्लामाबाद में आप पारा में खड़े रह के अपने आप को आग लगा दिया था. वो जान से खो बैठा था, लेकिन उससे पहले उसकी जो डायरी वहाँ रखी हुई थी उसमें उन्होंने लिखा था कि उसका काम मोमबत्ती बनाने का है और बिजली न होने की वजह से कारोबार बंद हो गया. उसने बेटी की शादी के लिए कर्ज़ा लिया था, अब वो जिससे कर्ज़ा लिया था वो उसके पीछे पड़े हैं, वापस नहीं कर सकता है. तो बिजली न होने का सिर्फ मईशत को नुकसान नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट है जो ये इंसिडेंट हमें वाजे करता है. तो ये हमने 40 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया. इकॉनमी की जो पैदावारी कुव्वत है वो कमज़ोर हो गई है और चूंकि वो कमज़ोर हो गई है तो हम ना तो आमदनी बढ़ा सकते हैं, ना रोज़गार बढ़ा सकते हैं, ना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं. 5-6 साल हो गए हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 24 बिलियन डॉलर पे अटकी हुई है, हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं. ये मसाइल है लोगों के मसाइल. इसमें आप ये समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह अक्सर ये भी हो सकती है कि कैश मौजूद नहीं है, आपके पास वसाइल मौजूद नहीं है. उसकी वजह ये हो सकती है कि या तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं या आपकी आमदनी कम है, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है. एक चीज हम बार बार देखते हैं कि टैक्स के हवाले से पाकिस्तान GDP टू टैक्स रेशियो के हवाले से बहुत पीछे है पूरी दुनिया से. टैक्स कलेक्शन सिर्फ 4 ट्रिलियन रुपीज का होता है
और टैक्स जो है तकरीबन चंद ही सेक्टर्स हैं जो इन 4 ट्रिलियन रुपीस को सपोर्ट करते हैं, तकरीबन 8-10 सेक्टर हैं। 70% ऑफ द टैक्स जो है वो तकरीबन इंडस्ट्री से आता है, बाकी आई थिंक अबाउट 28% जो है सर्विसेज से आता है, और स्लिवर यानी कि 1-2% शायद एग्रीकल्चर से आता है। ये जो रेशियो है, ये मिक्स है, क्या ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है, करप्शन है, क्या ये है इस फसाद की जड़ या इस प्रॉब्लम की जड़? एक्सपेंडिचर से शुरू करूंगा। पिछले 40 साल से जो शिफ्ट आया है, 1970s तक, जो पाकिस्तान के पहले 20 साल अगर हम लगा लें, उसमें हमारा जो बुनियादी रियासत का जो तवज्जो होती थी वो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट होती थी, और हमने बहुत ज़्यादा माशी असासे बनाए पहले 30 साल में। पाकिस्तान जब बना है तो वेस्ट पाकिस्तान में कुल 6 कारखाने थे जो कारखाने कहलाए जा सकते हैं। हमने इस दौरान पावर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पैदा की, कारखाने बहुत लगाए, मंगला डैम और तरबेला डैम जैसे प्रोजेक्ट्स जिसने पाकिस्तान की माशी ज्योग्राफिया बदल दी। वो इलाके लाखों एकड़ ज़मीन जहां घास भी नहीं उगती थी, अब 2 क्रॉप्स हम वहां से पैदा करते हैं। जहां रेत उड़ती थी वहां अब शहर है, बस्तियां हैं। तो माशी ज्योग्राफी हमने बदल दी। ये चूँकि जो पहले 30 साल की हुकूमतें थी, चाहे वो मिलिट्री हो, सिविलियन हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, इन सब का एक मकसद था माशी तरक्की। और उन्होंने जो मुल्क के वसाइल थे और जो बैरूनी कर्जे लेते भी थे वो लगाते थे माशी असासे बनाने में। 1977 के बाद मईशत तवज्जो नहीं रही, प्रोजेक्ट्स और माशी असासे बनाना ख़त्म हो गया, और हमने ये पैसे लगाए गैर तरक्याती अखराजात में, जिसमें दिफा भी शामिल है। और दिफा के 2 हिस्से हैं, एक जो वो हिस्सा जिसका जंग से ताल्लुक़ है और एक हिस्सा जिससे जंग से ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसको कहता हूँ कॉम्बैट एक्सपेंडिचर एंड नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर। नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो एक तो ये है। अच्छा, चूँकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं इन्वेस्ट किया और पैदावारी कुव्वत कमज़ोर हो गई, तो टैक्सेस, तो टैक्स आपके आएंगे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल कम होने लगा तो टैक्स जनरेशन भी मुश्किल में आना शुरू हो गया, और अब हम टैक्स ज़बरदस्ती एक ऐसी मईशत से मार मार के निकालना चाहते हैं जिस मईशत में बहुत जान नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आदाद व शुमार दिए कि हम 60-70% टैक्स जो है इंडस्ट्री से पैदा करते हैं। इंडस्ट्री को हमने टैक्स के बोझ में इतना दबा दिया है कि उस अब पिछले 10 साल में हमने ट्रैक किया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने कारखाने बेच के वो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ सिर्फ सत्तेबाजी से कमाई होती है, वो दौलत पैदा नहीं करता। ज़रात और सनत में दौलत पैदा होती है, न सिर्फ दौलत पैदा नहीं करता, रोज़गार भी नहीं देते, क्योंकि सारे लोग इनमें कई ऐसे तकरीबन 10-12 लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने अपने घर में कमरे में दफ्तर बनाया हुआ है, 2-3 टेलीफोन है, और वहीं से काम करते हैं और पैसा बनाते हैं, वो रोज़गार भी नहीं पैदा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर एक घंटे के बाद उनको अगर कॉफ़ी चाहिए तो एक खानसानवा एक्स्ट्रा चाहिए जो कॉफ़ी बना के लाए उनके लिए, इससे ज़्यादा रोज़गार नहीं पैदा करते। तो ये रेंट सीकिंग बिहेवियर होगी, रेंट सीकिंग है, और हमने एक कैसीनो इकॉनमी बनाई है, एक इकॉनमी जो बेसिकली सट्टेबाजी से चंद लोग पैसे बनाते हैं, और जो पैदा प्रोडक्टिव इकॉनमी है जहाँ पर लोग मेहनत करके पैसा बनाना चाहते हैं, वो सेक्टर हमने उसको अंडरमाइन किया है। ये बुनियाद है हमारी मईशत के जो इस वक्त बहरान में है, और जब तक ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होगी, कैसीनो इकॉनमी को हम बंद नहीं करेंगे, और जो प्रोडक्टिव साइड ऑफ द इकॉनमी है, ज़रात और सनत, उसको फ़रोग नहीं देंगे,
तब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते हैं, इम्पोर्ट हम बढ़ाते चले गए हैं, हम फिर मोहताज होंगे बैरूनी कर्जों के और अंदरूनी कर्जों के, और ये मईशत कर्जों के तरह हम उस स्टेज में हैं जब अब हम कर्जे लेते हैं कर्जे वापस करने के। ये सिचुएशन हो तो आप बैंकरप्ट कहलाते हैं, पाकिस्तान बैंकरप्ट है, और इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने गैर तरक्याती अखराजात सिविल साइड पे और मिलिट्री साइड पे कम करें और इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि रोज़गार बढ़े। रोज़गार बढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब लोगों के पास आमदनी होगी तो कुव्वत ख़रीद होगी, जब कुव्वत ख़रीद होती है तो वो उसी इंडस्ट्री का माल ख़रीदते हैं और इंडस्ट्री फरोख्त पाती है। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो बहुत अहम है किसी भी मईशत के लिए, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने रोक दिया है, इसको दोबारा बहाल करने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि जो आप रेंट सीकिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं या कैसीनो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो चंद लोग जो पैसे कमा रहे हैं वो भी तो वापस इकोनॉमी में ही डाल रहे हैं, वो भी तो लेट्स से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो उनके पैसे से इकोनॉमी नहीं चल सकती है? वो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी घर बना रहे हैं, वो भी गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो वो भी तो आखिरकार कहीं ना कहीं वो दौलत जो है आगे जाके बढ़ रही है, ऐसा नहीं है? जी, अच्छा सवाल है। बात ये कि ये लोग जो ये कैसीनो इकोनॉमी से पैसे कमा रहे हैं, एक तो बहुत कम है, ये जितनी मर्जी खर्च करें वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत छोटा परसेंटेज है। दूसरी बात ये कि इन लोगों की जो कंजम्पशन की चॉइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कंटेंट है, वो पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहते। पानी जो हम पीते हैं बोतल में, ये गैर मुल्की कंपनी पानी यहाँ पर हमारे ही नलकों से हमारा ही पानी भर के हमें बोतल में देते हैं, मुनाफा कमाते हैं रुपयों में, क्योंकि हम तो रुपयों में ख़रीदते हैं, और अपना मुनाफा फिर वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। ये नेट आउटफ्लो है डॉलर का, जिसके अगेंस्ट कोई इनफ्लो नहीं है। तो ये हमने इस किस्म की इकोनॉमी बनाई है, और ये तबका जो है गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ इम्पोर्टेड है, जो हम यहाँ बनाते हैं सिर्फ असेंबल करते हैं। तो इसका जो दौलत ये कमाते हैं, अगर ये सारा पैसा पाकिस्तान में पाकिस्तानी अशियाओं पे और पाकिस्तान में ही खर्च करें तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ऑल्दो स्मॉल कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ये पैसा ज़्यादातर बाहर लीक हो जाता है, पाकिस्तान को नहीं फ़ायदा है इसका। जो हम घर बनाते हैं, अगर वो चले एक महल नुमा घर बनाते हैं, अब तो घर की तमाम चीज़ें इम्पोर्टेड है, टाइल्स इम्पोर्टेड हैं, बाथरूम फिटिंग, किचन फिटिंग्स, पेंट, ये हर चीज़ अब हम इम्पोर्ट करते हैं। इसमें अब सवाल लेकिन और भी ये उठता है कि इसका एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करूं, इसको मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कहते हैं। इस एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पाकिस्तान में नहीं होता, दूसरे मुल्कों में होता है। हमारे एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दूसरे मुल्कों में, यानी कि हम खर्चा कर रहे हैं और वो फायदा ले रहे हैं, फायदा वो उठा रहे हैं। जी, लेकिन इसमें एक और चीज मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ टैक्स के हवाले से। अब जैसे ये लेट्स से जो टैक्स का पाए है, इंडस्ट्री पे लोन डाला हुआ है, सर्विसेज पे डाला हुआ है, कुछ एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल इलिसिट ट्रेड हो गया। अब मैं ये देखता हूँ कि स्मगल होके क्रॉस बॉर्डर से अपना फेस वॉश भी आती हैं, जो लोकल बन रही है उसकी कॉपीज भी बन रही होती हैं। इसी तरह सिगरेट इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं कहता हूँ जितना आप टैक्स लगा सकते हैं उतना ही फायदा है, ताकि स्मोकिंग कम की जाए। लेकिन अगर अच्छा इस इंडस्ट्री का डेटा भी आसानी से अवेलेबल है, तो मैं देख रहा था कि पिछले 10 साल में जितना सिगरेट कंज्यूम होता था, तकरीबन ये था, आई थिंक इट वॉज अराउंड 8 बिलियन स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स जो उस वक्त भी कंज्यूम हो रहा था, वो आज भी कंज्यूम हो रहा है। ये क्लेम करते हैं कि देर इज इलिसिट ट्रेड ऑफ बिटवीन 9% and 40%। ठीक है, 9% कुछ एंटी टबैको ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती हैं, 40% लेट्स से सिगरेट कंपनीज क्लेम करती हैं अपने रिसर्च के बेसिस पे, नीलसन का डेटा वगैरह यूज करके। इससे ये हो रहा है कि जो टैक्स बर्डन है जो इलिसिट ट्रेडेड सिगरेट्स हैं उन पे तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो लो प्राइस पे बिकती हैं,
62 rupees का कोई बेंचमार्क सेट किया गया कि इससे कम में सिगरेट बेचना नहीं है, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर एक सिगरेट की पैरिटी हो एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरी वन इन द पॉपुलेशन. ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू रिड्यूस स्मोकिंग ऑल्सो. लेकिन इलिसिट ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट्स कम प्राइस पे बिक रही है, टैक्स वहां से कलेक्ट नहीं हो रहा और इस पे तकरीबन 70 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है. एक इंडस्ट्री जो तकरीबन 100 बिलियन टैक्स आज यानी कि जमा करती है, वो तकरीबन डबल यानी कि 170 से 200 बिलियन तक दे सकती थी, जो अगर आप 4 ट्रिलियन का देखें टैक्स बेस है, तो इट्स क्लोज टू 5% जस्ट फ्रॉम सिगरेट्स. तो ये सिर्फ इलिसिट ट्रेडिंग पे काम नहीं किया जा सकता कि ये 50 बिलियन या 70 बिलियन रुपए जो हैं, मैं कैसी कैलकुलेशन कर रहा था, सैलानी वेलफेयर जो है 50 रुपए पर मील लेता है, ठीक है, अगर वो यानी कि हो गया 3 मील्स अ डे पे 150 रुपए हो गए, महीने के 4,500 रुपए हो गए. अगर यही जो टैक्स लॉस है 70 बिलियन रुपीज का, अगर आप 4,500 रुपए महीने के हिसाब से लें, दैट्स 17 मिलियन पीपल, 17 मिलियन लोग, यानी कि लाहौर और फैसलाबाद की पूरी पॉपुलेशन को रोजाना 3 मील्स मिलेंगे खाने के, अगर ये टैक्स कलेक्शन की जाए जो इलिसिट ट्रेड के अंदर नुकसान होता है. और ये बहुत सिंपल है, क्या इस पे फोकस नहीं करना चाहिए? तो बहुत आसान सा एक एरिया है, बाकी तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मांगती है, ये तो बहुत सिंपल है. जी मेरा गट रिएक्शन तो ये है कि सिगरेट इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए, बिकॉज आई एम एंटी स्मोकिंग, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट. ये जो आप इशू रेज कर रहे हैं, इसमें दो इशूज हैं. पहली बात ये कि जब हुकूमत का और रियासत का तवज्जो ही हट गया इंडस्ट्री से, फिर हर किस्म की एनामलीज इंडस्ट्री में आ गई और टोबैको इंडस्ट्री भी, सिगरेट इंडस्ट्री भी उसी का शिकार हो सकती है कि हुकूमत का जो रेगुलेटरी रोल है, पुलिसिंग रोल होता है, वो लॉ इन्फोर्समेंट का रोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का जो रोल होता है, वो कमज़ोर पड़ गया, चूँकि हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी. वो स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रहा है, जब स्टॉक मार्केट बूम करती है तो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत लॉडिट्री स्टेटमेंट देते हैं, देखो जी मीशत कितनी अच्छी है. तो ये एक वजह है. दूसरा ये है कि ये जो इशू है टैक्स इवेजन का, ये सिर्फ टोबैको का नहीं है. इम्पोर्ट अंडर इनवॉइस होती है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अंडर इनवॉइस होते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस है. एक $10 का एक प्रोडक्ट है जो मैं उसको इनवॉइस कर रहा हूँ $1 पे, तो इंपोर्ट ड्यूटी और जो टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स हैं, वो तो मैं $1 पे दे रहा हूँ, बाकी $9 एग्जेम्प्ट हो रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 लाख में रजिस्टर कर रहा हूँ, तो हुकूमत को जो रेवेन्यू मिलता है ट्रांसफर टैक्सेस और रेवेन्यू स्टैम्प्स वगैरह पे, वो सिर्फ 1 लाख का मिलेगा. ये अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ टोबैको का प्रॉब्लम नहीं है. सो गवर्नमेंट को असल में ये सारे लूप होल्स बंद करने की ज़रूरत है. और टेक्निकली आसान है ये सारा करना, पॉलिटिकली डिफिकल्ट है. लेकिन अनलेस एंड अनटिल हम मईशत को और रियासत को एफिशिएंटली चलाने का फैसला नहीं करेंगे, और ये फैसला पॉलिटिकल है, तो न तो मईशत बेहतर होगी, न सनत बेहतर होगी, न तालीम बेहतर होगा, न सेहत का निज़ाम बेहतर होगा. कोविड ने तो वाजे कर दिया है कि अब तक गरीब आदमी पिसता रहा है लो क्वालिटी हेल्थ केयर की वजह से, और वो मर जाता है, खामोशी से जाके दफन कर देता है अपने प्यारों को. लेकिन जो कोविड ने तस्वीर दिखाई है हेल्थ केयर सिस्टम की, अमेरिका से ले के इंडिया तक, वो एक वेकअप कॉल है कि ये हमने ठीक करना है, ये नहीं छोड़ा जा सकता है, अल्लाह के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता और मार्केट के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है. और आपने यही कहा कि देखें, जो इंपोर्ट के अंदर इनवॉइसिंग होती है, लैंड ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, मतलब आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लो दिखाते हैं, देर आर सो मेनी वेज के टैक्स इवेजन चल रही है.
शुडंट सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट को फिर इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि टैक्स इवेजन पे कर्ब डाउन करें, अकाउंटेबिलिटी लाएं और जहां से लीकेजेस हो रही हैं उन लीकेजेस को रोकें, बनिस्बत ये कि हर साल टैक्स बढ़ाए जाएं। भाई सैलरी क्लास कितना ही अपना बोझ उठाएगा, 2 मिलियन तकरीबन 2.2 मिलियन लोग हैं जो सब टैक्स देते हैं, इंडस्ट्री 70% टैक्स लोड ले रही है, उसको आप कितना मजीद टैक्स पेड करेंगे, जीएसटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 17%। मतलब शुडंट द पॉलिसी फॉर द बजट बी कि यार इस दफा हम कुछ भी नहीं कर रहे बल्कि हम तो कह रहे हैं फ्लैट टैक्स ले आए, हम जाके सिस्टम को इफिशियंट बनाएंगे, जहां पे इलिसिट ट्रेड हो रही है वो हम बंद करेंगे, जहां अंडर इनवॉइसेस हो रही है वहां हम रोकेंगे, मतलब शुडंट दैट बी द पॉलिसी? बजट एंड टैक्सेशन इज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देयर आर मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिटरमिन करता है और उससे स्टेट की लेजिटिमेसी डिटरमिन होती है। स्टेट की इस वक्त कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लोग एडी फाउंडेशन के दफ्तर में लाइन लगा के चंदा देने को तैयार होते हैं। जब सताज एडी साहब जिंदा थे वो सड़क पे बैठ जाते थे पैसे चंदा जमा करने के लिए और गाड़ी गुजरने वाले जो हैं 100 रुपये से 1000 रुपये से 5000 रुपये दे के चले जाते थे। कुछ आज भी ऐसा होता है कि लोग पूरी सुजुकी हाईरूफ जाके एडी में देते हैं, चाबी पकड़ा देते हैं, कागजात पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये हमारी तरफ से तोहफा है। टैक्स देने को लोग तैयार नहीं है इसलिए कि टैक्स की लेजिटिमेसी नहीं है। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं टैक्स देता हूँ और मुझे अपने फैक्ट्री के एरिया की सड़क भी खुद बनानी है, बिजली भी खुद देनी है, पानी भी खुद खरीदना है, लॉ एंड ऑर्डर का भी खुद ही इंतजाम करना है, तो मैं सोचता हूं कि ये टैक्स मैं किस लिए दे रहा हूं। स्टेट रियासत को अपनी लेजिटिमेसी बनानी पड़ेगी पहले। मैं एक मुल्क में था बाहर, वहां कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था तो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इस मुल्क में टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न कंट्री डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी और ने कहा कि देखिए जी टैक्स तो ज्यादा है लेकिन तालीम और सेहत हमें मुफ्त मिल रही है, तो एक लेजिटिमेसी है, यहाँ लेजिटिमेसी नहीं है। सो टैक्स लोग देना नहीं चाहते, टैक्स इवेजन वैसे भी होगी लेकिन वो मिनिमल होगी। लेकिन ये लेजिटिमेसी कैसे ला सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लेजिटिमेसी लाए ताकि लोग मुतमईन महसूस करें कि यार हाँ मैं टैक्स दे रहा हूँ और मुझे इसके यू नो इन रिटर्न मुझे सिक्योरिटी, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें मिल रही है। मतलब आई डोंट सी दिस हैपनिंग इन आवर लाइफ टाइम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। हाउ मतलब वेयर डू दे बिगिन? पिछले 30-35 साल में खासतौर पर पिछले 20 साल में रियासत ने ये मैसेज दिया है एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अवाम की तरफ, हर चीज मार्केट देगा। ये जो न्यूलिबरल फिलॉसफी आई है, तालीम से भी हाथ खींच लिया, सेहत से भी हाथ खींच लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि फिर रियासत है क्यों, टैक्स किस लिए ले रही है? जिनके पास कुव्वत खरीद है, परचेजिंग पावर है, जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जहाँ पर फ्री कोर्स 50,000 से 1,00,000 रुपया है, यानी एक सेमेस्टर के 5,00,000 रुपये भी बन जाते हैं, फिर 5 कोर्स है 4,00,000 बन जाएंगे, 4,00,000। सेहत में 7-स्टार होटल के मानिंद यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ लोग जाते हैं, अमीर लोग, जो गरीब है वो कहाँ जाते हैं। हमने दो पाकिस्तान लाए हैं, एक अशराफिया का पाकिस्तान है और एक अवाम का पाकिस्तान है। अशराफिया का पाकिस्तान जो है वो डिफेंस सोसाइटीज़ में रहते हैं, 500 गज गज के घर हैं, 1,000 के भी है, 2,000 के भी हैं, हर घर में 2 गाड़ी तो कम से कम खड़ी है, अक्सर घरों में जो सर्वेंट क्वार्टर है उसमें भी एसी लगा हुआ है, टीवी तो है ही। लेकिन जो अवाम है, और ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिगर्स दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही पॉवर्टी
पे रिसर्च करना है, हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड डेटा भी। तो एक घर में एक कमरे में 20 लोग रहते हुए मिलते हैं हमें डेटा, कॉमन मिलता है एक कमरे में। जी वो उनका कहना यह था कि हमने कभी पूरी टांगे फैला के नहीं सोए, ऐसा नहीं होता। कम्यूट करने के लिए, काम पे जाने के लिए छत, बस की छत पे चढ़ के जाना होता है। जिंदगी को भी खतरा है और डिग्निटी तो कहीं रही नहीं है उस सूरत में। औरतें बिल्कुल कम्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि उस सूरत में औरत तो बस में चढ़ ही नहीं सकती, तो उनकी मोबिलिटी तकरीबन ख़त्म हो गई है औरतों की। जहां वो काम कर सकती थी वो बिल्कुल घर बैठी है। तो बुनियादी चीज़ें, पानी पीने का जो अमीर तबका है, अशराफिया है, वो बोतल का पानी पी लेते हैं, और जो आवाम है उसको तो नलकों का ही पानी पीना होता है, चाहे वो उससे बीमार हो जाए। मैं स्वात में काम कर रहा था तो वहाँ मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि ये पानी बॉयल करके आप क्यों नहीं पीते। उन्होंने कहा कि जी यहाँ हमारे यहाँ तो गैस नहीं है, हमें लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ता है, लकड़ी बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पानी बॉयल करके पिए। तो ये जब लोगों के हालात हो तो इसका मतलब ये है कि रियासत ने तय कर लिया कि अवाम की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने अवाम को कुछ नहीं देना, सारी चीज़ें अवाम खुद ही कर लें। 1977 के बाद लो इनकम हाउसिंग का एक भी प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में नहीं बना है, और आए दिन टीवी के ऊपर हाउसिंग स्कीम्स के इश्तेहार आते हैं जिसमें जन्नत नुमा माहौल है, ये इश्तेहार के अल्फाज है। गोल्फ कोर्स है साथ, जॉगिंग ट्रैक है, स्विमिंग पूल है। तो ये रियासत तो सिर्फ अमीर तबका को सर्व करने के लिए है, अवाम के लिए नहीं है। तो ये लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए ये इस रियासत को अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाना पड़ेगा, तभी वो टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। वरना मेरे हिसाब से किसी को टैक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तनख्वाहों में चला जाएगा, फौजियों की तनख्वाह में चला जाएगा। और अभी हाल में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री क्लब बनाया गया इस्लामाबाद में, जो कोर्ट तक मसला पहुंचा। तो उस वक्त मेरा सवाल ये था कि इस किस्म की प्रोजेक्ट पे तो एक रुपये भी नहीं खर्च होना चाहिए। स्टेट फंड से? जी जरूर, स्टेट फंड से, फौज को स्टेट। तो ये लेकिन इसमें एक बात बताएं, गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि रियासत ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल ही शेयर कर दी कि भाई वी आर नो लॉन्गर रिस्पांसिबल, मार्केट डिलीवर करेगी सारी चीजें। गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है कि वो रिस्पांसिबिलिटी ले? बड़ा आसान है उनके लिए, बैठे हैं, चिल करें, तनख्वाहें उठाए और 5 साल बाद नई हुकूमत आ जाएगी, 5 साल तक उन्होंने आराम किया। तो इनका या तो इंसेंटिव क्या है, या फिर हम आवाम के तौर पे हम शोर किस तरह करें या आवाज उठाएं। मतलब आपने तो बड़ा सिंपल सलूशन दे दिया कि टैक्स देना बंद कर दें, और तो फिर टैक्स वाले आ जाएंगे पीछे हमारे, फिर वो कहेंगे कि हमारे साथ डील करो। बट सवाल ये उठता है कि भाई या तो हाउ टू बी इंसेंटिवाइज। आपको ये मैं बताऊं कि लाहौर के एक मार्केट में जब टैक्स वाले आए थे तो ये नहीं, मार्केट वाले टैक्स नहीं दे रहे थे, जब ये आए हैं तो सबने मिलके टैक्स वालों की खूब पिटाई लगाई है, दोबारा टैक्स वाले उस मार्केट में नहीं आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें ये करना चाहिए, टैक्स नहीं देने का मतलब ये कि एक सिग्नल है गवर्नमेंट को कि आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो। ये असल मकसद है कि गवर्नमेंट का इंसेंटिव देखें शॉर्ट टर्म है, जो इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मेरे अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कॉलीग्स ऑफिस में, क्योंकि हम अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अशराफिया है, हमने अच्छे स्कूल में पढ़ा है, हम अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, बाहर भी पढ़ाई पढ़े हैं। मेरा ख्याल है 90% फैमिलीज ऐसी है अशराफिया की जिसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर अब बाहर रहता है। तो हमें
और ये लफ्ज मैं हमें इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं अपने आप को अलग नहीं करना चाहता, और हमें में हुक्मरान भी है, फौजी भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, बिजनेसमैन भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जमींदार भी है। हमें बहुत हमारी रात को नींद खराब नहीं होती है इस परेशानी में कि मुल्क का क्या होगा, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस बाहर है, हमारे फैमिली भी है बाहर, हमारी शायद सबका घर भी बाहर है, सबका नहीं तो आधे लोगों का है, बैंक में तो ज़रूर पैसे बाहर रखे हैं, तो हमें ये परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ एक परेशानी है, अगर मुल्क के हालात बहुत ख़राब होंगे एयरपोर्ट कैसे पहुँचे, एक ही परेशानी है। उसके लिए प्राइवेट चार्टर सर्विस स्टार्ट कर देना चाहिए, ये एक नया बिजनेस पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम तो इसी मुल्क में रहेंगे और ना वो उनके पास गुंजाइश कोई नहीं है, ऑप्शंस नहीं है बाहर जाने के, वो तो इसी जो मुल्क में रहेंगे, लेकिन जो शराफिया है, जो हुक्मरान है, उनको परेशानी इसलिए नहीं है कि उनको सिर्फ एक परेशानी है, मुल्क के हालात जब बहुत खराब होंगे तो एयरपोर्ट कैसे। इसमें एक और बात बताएं, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। अब आपने बात की थी पहले कि ये रेंट सीकिंग बिहेवियर या कैसीनो स्टाइल इकोनॉमी, जो बच्चे ग्रेजुएट करके कॉलेजेस से निकल रहे हैं, स्कूलों से निकल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं यार मुझे काम करना है यहाँ पे, अब वो ये कैसीनो स्टाइल इकोनॉमी देख रहे हैं कि यार लैंड में इन्वेस्ट करें, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, स्टॉक मार्केट में थोड़े से पैसे जमा करके लगाएं और वहां पे सट्टा करते रहें, आराम की जिंदगी है, आप थोड़ा बहुत कमा लेंगे, बाहर की चीजें आप पहनेंगे, बाहर की गाड़ियां चलाएंगे, मतलब वो तो वो देख के इम्प्रेस हो रहे हैं उस मटेरियलिज्म से और इस लाइफस्टाइल से। हाउ डू वी इंसेंटिवाइज देम कि आए जी इंडस्ट्री लगाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान करें, बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि अमेरिका जो है अगर आप देखें एज ए कैपिटलिस्ट कंट्री जो है, उसकी इंटायर फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के आओ बिजनेस खड़ा करो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, ताकि बाद में जाके तुम टैक्स दे सको। वो माइंडसेट यहाँ पे वो कैसे लेके आए इन यंग लेट्स से जनरेशन के अंदर? कि ये गवर्नमेंट की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से होता है। आज से 40 साल पहले, बिफोर द करंट 40 इयर्स, हुकूमत की पॉलिसी थी जो इनकरेज करती थी लोगों को इंडस्ट्री लगाने में, जो अब नहीं है। तीन चीज़ें मैं आइडेंटिफाई करूँगा। एक तो ये है कि 17% GST इज़ अ किलर, इस पर कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती, चूँकि 17% तो सिर्फ GST है। हमने एस्टिमेट किया है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी होती है और चीज़ें भी होती है, तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट है इंडस्ट्री पे वो 51% है। Wow. कौन सी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है 51% टैक्स बर्डन पे? दूसरी बात, ये तो एब्सोल्यूट हो गया, अब रिलेटिव की बात करते हैं। जब मेरे पास $1 million है और मैं सोच रहा हूँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहीं इन्वेस्ट करूंगा जहां रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट्स में, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री? इसका तरीका कुछ मेरे जहन में है, पार्ट्स ऑफ इट हैज कम बाय स्टडिंग अदर कंट्रीज हाउ दे हैव डन इट। अगर मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, एक कलम पेन इम्पोर्ट कर रहा हूँ जो $1 की है और उसको मैं 25 सेंट पे इनवॉइस कर रहा हूँ, तो रूल ये होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये वेबसाइट पे, पब्लिक वेबसाइट पे आ जाए कि दिस प्रोडक्ट इज बीइंग इंपोर्टेड एट दिस प्राइस। ठीक है, देयर आर टू पार्टीज, द सेलर एंड द बायर, सेलर इज अब्रॉड, बायर इज हियर, लेकिन एक थर्ड पार्टी जो है वो बिट कर सकता है कि जी मैं ये 20% ज्यादा पे खरीदने को तैयार हूं, एंड देन द बायर शुड कंपल्सरीली हैव टू सेल इट टू दिस थर्ड बायर, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट परचेज, ये इसका एक टेक्निकल टर्म है, लीगल टर्म है, राइट ऑफ फर्स्ट परचेज। 25 सेंट पे जो मैंने इनवॉइस किया है वो मेरा 30 सेंट में मुझे जबरदस्ती बेचना पड़ेगा, लेकिन जो सेलर है उसको तो मैंने डॉलर दिए हुआ है, तो मैं इसको अंडर इनवॉइस नहीं करूँगा। और यही सिस्टम इंडिया में आई थिंक इंप्लीमेंट हुआ है लैंड ट्रांजैक्शंस पे। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ।
इसी पे प्रॉपर्टी पे करें। करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं 50 लाख में उसको रजिस्टर कर रहा हूँ, समबडी कैन ईजली बिड 10% मोर और 60 लाख में वो प्रॉपर्टी ले जाएगा, करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी 7 लाख में बिक जाएगी, मैं अंडर इनवॉइस नहीं करूँगा। तो इंडिया में इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं किया है, लेकिन इंडिया में ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीद के विद इन 3 ईयर्स बेचना चाहेंगे, तो उसमें स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है। या अगर कोई खरीद कर, मैं हूँ स्पेकुलेटर, लेकिन मैं खरीद के 3 साल तक होल्ड करूं, तो 3 साल तक मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने की, तो मेरा प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा। जब आप ये जो सट्टेबाजी वाले सेक्टर्स हैं उसमें प्रॉफिट रेट कम कर देंगे और इंडस्ट्री में टैक्सेशन कम करके प्रॉफिट रेट बढ़ा देंगे, तो मनी विल फ्लो इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। सो ये डूएबल है, ये ड्यूएबल है, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डू इट। लेकिन अगर एक मिनिस्टर प्रॉपर्टी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मिनिस्टर स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये नहीं होगा। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे, जो सामने आ जाए? इस वक्त मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट से अक्सर बात होती है, क्योंकि हमारा बहुत हवाले से वास्ता रहता है। इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं, मैंने पूछा, यहाँ कराची में साइट इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनकी हम एक मीटिंग में था, मैंने पूछा कि अगर आपको इजाज़त हो कि आपका जो ये जो फैक्ट्री है इसको आप बंद करके यहाँ पर हाउसिंग क्रिएट कर दें तो आप करेंगे? तो खड़े होके मुझे मेरा हाथ मिलाया उन्होंने, कहने लगा सर ये कर देंगे तो मैं बड़ी दुआएं दूंगा आपको। दे ऑल वॉन्ट टू शट डाउन देयर इंडस्ट्री एंड कन्वर्ट देयर प्लॉट इनटू हाउसिंग अगर हुकूमत इजाजत दे दें। बहुत लोग बगैर इजाजत भी कर रहे हैं, इलीगल भी हो रहा है, लेकिन अगर इजाजत दे दें तो साइट इंडस्ट्रियल स्टेट कराची में, करंगी इंडस्ट्रियल स्टेट में सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो करंगी लिविंग कम्युनिटी और साइट लिविंग कम्युनिटी बन जाएंगी जी। सो ये गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में करेक्शन चाहिए, जिससे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज जो है वापस प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ चला जाए। बहुत सारी गुंजाइश इंडस्ट्रियलाइजेशन की एग्रो बेस्ड है, वैल्यू चेन क्रिएट करने के लिए। मैं इस वक्त सुजावल में काम कर रहा हूँ, विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नियर कराची, ठट्टा के पास है, वहाँ टोमेटोज बहुत होते हैं। पिछले साल दे फेड द टोमेटोज टू देयर एनिमल्स, उन्होंने कहा जी कराची ले जाने का खर्चा भी पूरा नहीं निकलेगा, इतनी कीमत गिरी हुई है। तो वहाँ पर या उसके करीब या इवन कराची में अगर टोमेटो पेस्ट और टोमेटो केचप की फैक्ट्री लगे तो वो प्राइस स्टेबल हो जाएगी, जो फार्मर है उसको वापस अपने मवेशियों को नहीं खिलाना पड़ेगा, या ज़मीन में वापस नहीं डाल दें ताकि ज़मीन को न्यूट्रिशन मिल जाएगी उस टोमेटो से, यू नो, तो ये नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे एग्रो बेस्ड जिसका वैल्यू चेन इज स्टेयरिंग एट अस इन द फेस। सर डेट्स हैं, मैं पंजगुर गया था और तुर्बत गया था बलूचिस्तान में, डेट्स उसकी फ्लोर प्राइस थी 2000 रुपए मन, और मैं 1000 रुपए पे वो राजी था कि आप ले जाओ। मैंने कहा आप कम में क्यों बेच रहे हो, फार्मर के पास गया मैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको मैं नहीं बेचूंगा 1000 रुपए में, तो मुझे अपने कैटल को खिलाना पड़ेगा, अपनी बकरियां को चारा देना पड़ेगा, तो बेहतर ये कि मैं आपको भेज दूं। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं थी वहां पे तुर्बत के, अब आई थिंक कोई बनी है नहीं रिसेंटली लास्ट फ्यू मंथ्स। यही चीज राइस की है ना, भाई यहाँ पर एक मिनिस्टर है, अभी भी मिनिस्टर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ही इज अ राइस फार्मर एंड ही हैज अ राइस मिल आल्सो। मैंने उनसे कहा कि जी आप नाश्ते में सीरियल खाते हैं? उसने कहा जी हाँ खाते हैं। मैंने कहा राइस सीरियल भी खाते हैं? तो कभी कभी आ जाता है। मैंने कहा कभी आपने सोचा है कि ये जो इम्पोर्टेड राइस सीरियल आप खाते हैं ये आप ही का चावल है जो वापस आया है? तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं लगाते सीरियल की फैक्ट्री, कहने लगा मुनाफा नहीं। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो पॉलिसी क्रिएशन इज वेयर द चैलेंज लाइज। मुझे एक बात बताएं, आपने वसाइल की बात की थी, और बेहद वसाइल है और बेहद अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में। डू यू थिंक वी हैव
अ डर्थ ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, क्या इकोनॉमिस्ट्स की कमी है इस मुल्क में कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिसी मेकिंग और कॉन्स्टेंट मिनिस्टर चेंजेस और लैक ऑफ लेट्स से कंटिन्यूटी जो हमें नजर आ रही है, क्या इज इट बिकॉज कि हमारे मुल्क में अच्छे इकोनॉमिस्ट की कमी है? नहीं, इकोनॉमिस्ट की कमी का इशू नहीं है, और ये जो फैसले हैं जो डिसीशंस लेने हैं वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं लेते, बहुत सारी अच्छी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट्स जनरेट होती है मुल्क में, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उस पर फैसला तो पॉलिटिकल लेवल पे होता है। वो जब फैसला पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होगा तो जितनी मर्जी आप अच्छी इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस करें उसका कोई फायदा नहीं है। सो इन कंक्लूजन सर, एक अगर मैं आपसे एक ओपिनियन लूं कि भाई इफ यू वर टू वर्क ऑन वन थिंग, एक अगर चीज करंट गवर्नमेंट हो अगली गवर्नमेंट हो अगर एक चीज पे काम कर सके जो आप समझते हैं कि इस मुल्क को सही राह पे खड़ा कर देगी, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह हो, चाहे लेट्स से वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, व्हाटएवर यू थिंक इज द राइट पाथ, आपके व्यू में वो एक क्या चीज होगी? क्योंकि बजट आने वाला है, मैं बजट के हवाले से बात करूंगा। रिड्यूस द जीएसटी ऑन गुड्स टू 5% एंड स्लैश नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर By 20%, which equals 1 trillion rupees. जब हम ये करेंगे तो हमारा बजट डेफिसिट मैनेजेबल हो जाएगा, हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल हो सकता है, हमें बैरूनी कर्जे भी नहीं लेने पड़ेंगे, और हम इकॉनमी को स्टेबल प्रोडक्टिव सस्टेनेबल डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। That's what I would do. Reduce non-development expenditure by 20% and reduce GST on industry to 5%. And anything on the illicit trade front that you would recommend? When the government decides that they want to run the economy is their priority. Phir wo tamam cheeze jo economy ko nuksan hota hai, wahan hukumat tawajjo degi. क्योंकि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त वो इस पे अलर्ट होंगे कि वो तमाम चीज़ें जहां पर इकोनॉमी को नुकसान है वो उसको प्लग किया जाए, लेकिन जहां जब तक रियासत और रियासत चलाने वालों की तवज्जो ही नहीं है मईशत और सनत, ये हम उनसे तवक्को नहीं कर सकते। वो फिर ये करेंगे कि अच्छा इलिसिट हो रही है तो हमारा हिस्सा किधर है। So you are the most practical economist I've spoken to. मैंने भी bachelor's किया हुआ economics में, काफी अरसा हो गया, but you are the most practical economist I've ever come across and the only economist I've come across that says don't pay your taxes and justifies it. Thank you sir, बहुत बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, अच्छे आपने points raise किए, and I'm hoping के whoever's watching is able to pick up some key points that we can apply. Current budget bhi aa raha hai hamare paas, aage bhi bahut sari cheeze hone wali hai us mulk mein, so hopefully there's some lessons to be picked up from this episode. Thank you all for tuning in. Thank you Kaiser sahab for joining us. Bahut shukriya aapka aur aap sab ka. Thank you ji. Okay ji, Allah Hafiz. Allah Hafiz ji.